पूरी दुनिया में डंका बज चुका है इंडियन वेब सीरीज का, क्योंकि इन्होंने रिस्क लेना शुरू कर दिया है। रिस्क है तो इश्क। OTT ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ और सिर्फ टैलेंट का सिक्का बोलता है। इंडियन वेब सीरीज का इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर होना इसका जीता जागता एग्जांपल है ऑडियंस की IMDb पर रेटिंग्स। हर महीने OTT पर एक ऐसी वेब सीरीज रिलीज होती है जो IMDb के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। बहुत ही जल्द इंडियन वेब सीरीज को इंग्लिश में डब किया जाएगा, क्योंकि ऐसी जबरदस्त और दमदार वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल में बहुत बढ़ चुकी है। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे 2020 की आउटस्टैंडिंग इंडियन वेब सीरीज, जो सिर्फ और सिर्फ अपने क्वालिटी कंटेंट के दम पे पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुकी है। हर वेब सीरीज को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ 1 से 2 मिनट में समझेंगे क्या आपको इसे अपना कीमती समय देना चाहिए और क्या ये वेब सीरीज फैमिली के साथ देखने लायक है या नहीं। बेटा, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। भागने मत भोसड़ी वालों, खोपड़ी बंदूक पहन चुका हो। सोशल और पॉलिटिकल टॉपिक्स पर मास्टरपीस बनाने वाले प्रकाश झा, जिनकी खासियत है बिंदास और बेधड़क कंटेंट हमारे सामने लाना। पहली बार सेंसिटिव टॉपिक रिलीजियस पर बनी इतना ज्यादा प्यार मिला है ऑडियंस से। सीधे 7.8 IMDb रेटिंग के साथ 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ MX प्लेयर पर अवेलेबल है 2 सीजन के साथ आश्रम। आप अपना पिछवाड़ा बचाओ, हम तो पहले से ही नंगे खड़े। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है सीरीज का ग्राउंडेड और रियल होना। रिलीजियस मूवीज वेब सीरीज बनाकर कई क्रिएटर्स ने अपनी पर्सनल भड़ास निकाली है। ऐसे क्रिएटर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी से पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, लेकिन आश्रम में आपको ऐसा नहीं देखने मिलेगा। कई इंसिडेंट्स इस तरह से इतने रियल दिखाए कि आप अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कोई चीप पब्लिसिटी के लिए जबरदस्ती के कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स इसमें नहीं है। जो कुछ भी सही गलत होता है वो सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है सभी एक्टर्स की एक्टिंग। शुरुआत में बॉबी देओल को बाबा के रूप में देखना थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले और कई सारे सरप्राइजेस की वजह से सभी कैरेक्टर्स को आप आम जिंदगी से रिलेट कर पाते हैं। अभी भी मुझे अपने 2 कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना, इनसे ऊपर उठ चुका हूं मैं। नेगेटिव की अगर बात करें तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा इसके लंबे लंबे एपिसोड्स। कुछ सिंपल सी बातों का एंड रिजल्ट हमें पहले ही पता हो जाता है और उसे बहुत लंबा खींचा गया है, जो सीजन 2 में हमें साफ दिखाई देता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप डेली सोप वाली वो क्राइम ड्रामा से पक चुके हैं और एक लेवल ऊपर जाकर क्वालिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये सीरीज MX प्लेयर पर फ्री में अवेलेबल है। 18+ है, कुछ एडल्ट सीन्स भी है, कुछ जगहों पर ऑफेंसिव लैंग्वेज है। अगर घर में सभी मैच्योर है तो 100% फैमिली के साथ देख सकते हैं। एक गलत डायलॉग ऑडियंस की फीलिंग्स के अगेंस्ट, जिससे वेब सीरीज की रेटिंग IMDb पर गिरा दी जाती है। इसके बावजूद अपने कंटेंट के दम पे मजबूती से 7.9 IMDb के साथ खड़ी है क्राइम ड्रामा 9 एपिसोड्स 50 मिनट्स ईच आर्या। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। सीरीज की सबसे पहली खासियत है इसके एक्टर्स। धीरे धीरे करके ये आपको कनेक्ट होते हैं। अगर आपके घर में कोई डेली सोप बहुत ज्यादा देखता है तो उन्हें क्वालिटी कंटेंट की तरफ अपग्रेड करने के लिए ये वेब सीरीज पहला कदम है। सुष्मिता सेन के करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। फिर से वो बनो जो तुम हो, पंजे बाहर निकालो, शेरनी की तरह। डच ड्रामा सीरीज पेनोजा का ये इंडियन वर्जन है, जिसका नेगेटिव है इसके 50 मिनट लंबे एपिसोड्स। सीरीज के अंदर कुछ कैरेक्टर के इमोशनल लेवल पे डेप्थ में जाने की कोशिश की है, जिसका स्टोरी से कनेक्शन कराना ये शायद भूल गए, जिसे एडिटिंग के अंदर अच्छी तरह से निकाला जा सकता था। इन सब के बावजूद सीरीज फैमिली ड्रामा के लिए बहुत बढ़िया है। सीरीज के अंदर एक डायलॉग है जहां पर फिजियोथेरेपिस्ट और कंपाउंडर के बीच का फर्क नेगेटिव और बेवकूफ की तरह बताया, जिस पर राइटर्स की नॉलेज पर कई सवाल खड़े हुए और उसी का बुरा मानकर IMDb पर इसकी रेटिंग गिराई गई, जो मेरे हिसाब से बेवकूफी है, क्योंकि एक डायलॉग से हम पूरी वेब सीरीज को डिसाइड नहीं कर सकते। हार्डली 1 या 2 जगह पर एडल्ट सीन और ऑफेंसिव लैंग्वेज है और कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स इसे 18+ बनाती है। लेकिन अगर आपको सीरीज के कैरेक्टर्स की डेप्थ में जाना पसंद है, आप में बहुत ज्यादा पेशेंस है और एक क्वालिटी फैमिली क्राइम ड्रामा देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज Disney+ Hotstar पर अवेलेबल है, जो आपको अपनी एक्टिंग स्किल, स्क्रीन प्ले और बैकग्राउंड म्यूजिक से बिल्कुल निराश नहीं करेगी। नंबर 3 पे भाई साहब हिला के रख दिया। 4 एपिसोड की ये छोटी मिनी सीरीज साबित करती है कि इंडिया के अंदर कंटेंट को के रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। साहिल को कोरोना वायरस हो गया। साहिल की डेथ कोरोना वायरस से हुई थी। 7.9 IMDb रेटिंग के साथ कौन गेम, इस सीरीज मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि 3 बड़े रीजंस है उसके। 2020 के इंडिया के लॉकडाउन के अंदर पूरी सीरीज घर में शूट की गई है। अब इसका मतलब ये नहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो। एकदम पावरफुल स्टोरी लाइन जो आपको एंड तक बांध के रखती है और एंडिंग भी बहुत सेटिस्फाइंग, बिल्कुल भी फुद्दू टाइप नहीं। गुजराल फैमिली की कहानी जहां एक के बाद एक हार्ट अटैक देने वाले न्यूज आते जा रहे हैं। क्या साहिल सच में कोविड की वजह से मर चुका है या फिर उसके पीछे डार्क स्टोरी है। 25 मिनट्स के 4 एपिसोड, बहुत ही बेहतरीन एडिटिंग, 1 मिनट भी मुझे बोर फील नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो शायद OTT पर सबसे कम बजट वाली, सरप्राइजेस से कूट कूट कर भरी ये वेब सीरीज है।
अगर आप ध्यान से इस वेब सीरीज को देखेंगे तो ये एक्चुअल में एक 2 आवर्स की मूवी है जिसे 4 पार्ट में कट करके वेब सीरीज की तरह रिलीज किया है। ये बात साफ दिखाई देती है हर एपिसोड के एंड में। सीरीज के अंदर कोई एडल्ट सीन या ऑफेंसिव लैंग्वेज नहीं है, 100% फैमिली के साथ देख सकते हैं। ऐसी सीरीज को हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि हमारे लाइफ में टाइम बहुत कम है और क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा। टॉप 2 सीरीज से पहले अगर हमारी सोच इन वेब सीरीज पर कहीं मैच हुई तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। इंडिया का सीना 1 इंच और चौड़ा कर दिया है 2 की सीरीज ने। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ब्यूटीफुल तरीके से हमारे सामने पेश करके प्राउड फील करवाती है ये सीरीज। इस सीरीज के म्यूजिक से आपके कानों को तो सुकून मिलेगा ही, लेकिन सिनेमेटोग्राफी आपके आंखों को भी सुकून देगी। नंबर 2 पे सीधे 8.7 IMDb रेटिंग बंदिश बैंडिट। सीरीज के 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के बाद आप डिसाइड करना क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। 2 ग्रेट सिंगर्स, एक वेस्टर्न और एक इंडियन, निकल पड़े हैं एक ऐसी जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए जहां उन्हें म्यूजिक के थ्रू अपने आप को एक्सपीरियंस करना है। ये रोमांस ड्रामा सीरीज आपको हर एक डिपार्टमेंट में सेटिस्फाई करती है। सिर्फ 30 मिनट्स के 10 एपिसोड्स और हर मिनट पे शंकर एहसान लॉय की हिप्नोटाइज करने वाली म्यूजिक, श्रेया चौधरी और ऋत्विक भौमिक की एक्टिंग बहुत ही नेचुरल। बस फैंस के पार्ट में टिपिकल बॉलीवुड टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो रहा था जो शायद थोड़ा खींचा हुआ और इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, और कुछ जगहों पर कैरेक्टर का ओवर एग्जैजरेट करके सिंपल सिचुएशन में भी ड्रामा घुसाने की कोशिश थोड़ी अनोइंग जरूर लगेगी, लेकिन इन सब की भरपाई इसका म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी करती है। छोटे से छोटा सीन हो या कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो, पूरी तरह जस्टिस किया है सीरीज ने। सीरीज 18+ और Amazon Prime पर अवेलेबल है और 100% मस्ट वॉच है। नंबर 1 की सीरीज ने बवाल मचा दिया है पूरी दुनिया में। अर्शद इज अ हीरो। अर्शद मेहता बहनचोद है कौन? सीधे 9.5 IMDb रेटिंग, जिसका सिर्फ टाइटल म्यूजिक ही काफी है आपके रोंगटे खड़े करने के लिए। ये हर्षद मेहता की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड क्राइम ड्रामा स्कैम 1990। दिस इज द फ्यूचर। ये उन सीरीज में आती है जिन्हें देखने के बाद आपके दिमाग में शुरू हो। उसके 3 बड़े रीजन हैं। डायरेक्टर हंसल और जय मेहता आपको हर्षद मेहता की लाइफ से इस तरह से कनेक्ट करते हैं, आप कुछ टाइम के बाद खुद ही अपने आप को हर्षद मेहता मानने लगोगे। और उसका क्रेडिट इसके सभी एक्टर्स को जाता है, खास करके प्रतीक गांधी। ऐसे एक्टर्स के टैलेंट को हम और आप मिलकर अपनी माउथ पब्लिसिटी से ही फेमस कर सकते हैं। सीरीज टेक्निकली बहुत ही परफेक्ट है। स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, इनका एक अलग ही चेहरा हमें देखने मिलता है जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और बोल्ड मूव था। अगर आप स्टॉक मार्केट या बैंकिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो शायद कुछ इसके टेक्निकल एस्पेक्ट आपको बाउंसर जाए, लेकिन 1 आवर लंबे एपिसोड्स है हर एक, फिर भी इतनी टाइट स्क्रीन प्ले है। हर 5 मिनट में हर्षद मेहता के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। रोलर कोस्टर राइड की तरह आपको कभी ऊपर नीचे, आपके लिए हर्षद मेहता कभी हीरो तो कभी विलन। और यही बात सीरीज की मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, आम जिंदगी में, रियलिटी में हीरो हमेशा हीरो नहीं बन सकता। ऐसी सीरीज को हमें अपनी फैमिली के साथ देखना नहीं, सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के सेलिब्रेशन में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं देना होगा, बस उस लाल बटन को दबाकर बेल आइकन प्रेस करना है। मैं वेट कर रहा हूँ आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सभी बेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज की लिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने के लिए।